यूपी के प्रतापगढ़ के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, राजा ब्या के पिता राजा उदय प्रताप सिंह व 5 अन्य लोगों को नजरबंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ये कार्यवाही रविवार को शेखपुर आशेक में प्रस्तावित भंडारे को रोकने के मद्देनजर की है। बताया जा रहा कि रविवार शाम 7 बजे तक हम उस अरेस्ट रहेंगे। मौके पर DM और SP कैंप लगाकर मौजूद है। ऐसे में अपने रीडर्स को राजा ब्या के बारे में बताने जा रहा है। 5 साल में डबल हुई संपत्ति। ऐसे हैं राजा ब्या के ठाठ दश। राजा ब्या 1993 से लगातार कुंडा से विधायक हैं। अपने इलाके में तूफान सिंह के नाम से पॉपुलर रघुराज प्रताप की संपत्ति उनके पॉलिटिकल करियर के साथ आगे बढ़ी है। 2007 में जहां वो 273 करोड़ रुपए के मालिक थे, वहीं 2012 में उनकी संपत्ति 711 करोड़ रुपए की हो गई। खुद को किसान बताने वाले राजा ब्या ने 2017 में अपनी संपत्ति 14 करोड़ रुपए के करीब घोषित की है। इसमें उनकी पत्नी भानवी और 4 बच्चों की भी हिस्सेदारी है। आधी प्रॉपर्टी की मालकिन है बिजनेस वुमन भानवी रखती हैं पिस्टल। बैश राजा ब्या ने अपने एफिडेविट में खुद से ज्यादा संपत्ति पत्नी भानवी के नाम दिखाई है। उनके खाते में जहां कुल 6 करोड़ की संपत्ति है, वहीं पत्नी 7.2 करोड़ रुपए की मालकिन है। दश भानवी के पास 1.2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। यही नहीं, उनके नाम पर 2 लाख की 3 पिस्टल राइफल भी हैं। दश वो सारंग इंटरप्राइजेज में 85% पार्टनर हैं। एक अन्य कंपनी श्रीदा प्रॉपर्टीज ने उनकी 90% की शेयर होल्डिंग है। ये दोनों कंपनियां लखनऊ बेस्ड हैं। क्या है पिता को नजरबंद रखने का पूरा मामला? दशविहिप राजा उदय प्रताप सिंह के समर्थन में आ गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री मुकेश ने कहा, कुछ भी हो भंडारा होकर रहेगा। दश DM शंभू कुमार ने भंडारा स्थल से झंडी और बैनर हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन न बैनर हटे हैं न झंडी हटी है। क्षेत्र में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। दश शनिवार को अधिकारियों ने कई राउंड की बैठक कर इन लोगों को नजरबंद करने का फैसला किया। इससे पहले सपा सरकार में भद्री नरेश से किले से बाहर नहीं निकलने की गुजारिश की गई थी। दश मौके पर कुंडा में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। शनिवार को DM और SP ने भी कुंडा में कैंप लगा लिया, क्योंकि यहां कुंडा कोतवाली इलाके के शेखपुर गांव में मुहर्रम के दिन ही भंडारे का आयोजन होता है।